मैं 8 बजे सो के उठा और मेरे पास फोन आया कि भाई जल्दी से रेडी है। आ इधर, नहीं इधर आना। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बैग दो बैग दो। भाई यार ट्रेन रुकी हमारी, ज्यादा पीछे डिब्बा आ गया, स्टेशन छोटा था, अभी उतरने में दिक्कत हो रही है। देखो ये जो सराय दिख रही है ना यहाँ, ये सबसे सस्ती सराय है यहाँ की, 100 रुपये किराया विदाउट एसी है, लेकिन कंडीशन हद से ज़्यादा ख़राब है। अब मैं गुरुद्वारे आया हूँ ऐसे बोलना तो नीचे, लेकिन तो गाइस एट दी एंड हमने यहाँ पे लिया अपना रूम। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। अभी आज का सीन ये है कि भाई कोई सीन नहीं है, मतलब अभी मुझे भी नहीं पता क्या सीन है आज का, क्योंकि सुबह सुबह मैं 8 बजे सो के उठा और मेरे पास फोन आया कि भाई जल्दी से रेडी हो जाए, अनंतपुर साहब जाना है। अब मुझे नहीं पता कैसे कैसे भी मतलब ट्रेन से जाना है, लेकिन कब तक पहुँचेंगे, कितने बजे ट्रेन है, क्योंकि 10:30 की ट्रेन की टाइमिंग थी, लेकिन ट्रेन लेट होगी। पूरा सीन मुझे नहीं पता वहाँ जाके हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्योंकि रिलेटिव्स हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं तो उनके साथ जाते हैं भी, और बाकी अभी पता नहीं भाई क्या सीन है आज का। जैसे जैसे हम जो जो करते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे, बाकी ब्लॉग से स्टार्टिंग में जो हाइलाइट्स होते हैं उस पर आपको दिख जाओगे कि आज के ब्लॉग में मेन मेन क्या क्या चीज़ें हमने करी है। बाकी थोड़ी देर में घर से निकलते हैं, मैं पूरा रेडी हूँ, पैकिंग हो चुकी है, खाना वाना खाते हैं और फिर निकलते हैं आराम से, नई दिल्ली पहुँचते हैं, ट्रेन पकड़नी है। तो भाई बैग अपना पूरा का पूरा रेडी है, सामान सारा रख चुका हूँ, ट्राईपॉड बचा था, ट्राईपॉड को भी रख लेता हूँ, इसके बाद अपना माइक बचा है माइक भी रखता हूँ और फिर बैग की चेन लगाता हूँ, चलते हैं फिर। फिलहाल भाई अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बैग वैग हमने ले लिया, अब चलते हैं जल्दी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर से ट्रेन पकड़ते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग भाई निकल चुके हैं, मित्रों नई दिल्ली छोड़ने जा रहे हैं मुझे, इसके बाद तो ट्रेन पकड़ के चली गई। लाल गए थे हम लोग, आके बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर। मन्नू कहाँ पे आ गए हैं? ट्रेन में? तो भाई ट्रेन में आके हम लोग बैठ चुके हैं, अभी चलते हैं यहाँ से। अभी टाइम जो हो रहा है 12 बजे, 10:25 की ट्रेन का टाइम था, 12 बज चुके हैं, कोई नहीं चलते, ट्रेन भी चल पड़ी है, अब चलते हैं, उसके बाद शाम तक ही पहुँचेंगे 5-6 बजे तक। फिलहाल भाई अभी मैं लेट गया थोड़ा सा यार, अभी सोते हैं थोड़ी देर, क्योंकि शाम तक पहुंचेंगे, आराम से लेटा पड़ा हूँ मैं, ये रही अपनी खिड़की, लेट गया आराम से सोते हैं थोड़ी देर। तो फिलहाल कैसे भी खाना खाते हैं, खाने में मैं लेके आ गया था घर से खाना, उसके बाद बाहर का भी दिखाऊँ तो बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, देखो बाहर सब कुछ ब्लर हो गया क्योंकि AC चल रही है ना अंदर, तो बाहर का कुछ नहीं दिख रहा अभी। अभी फिलहाल खाना खाते हैं, उसके बाद पेट वेट भर के अपना, फिर भी 1 घंटा आई थिंक लग जाएगा, 1 घंटे के आसपास कुछ, फिर पहुँचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का कि मतलब अनंतपुर साहब का कैसा, मतलब जो भी मतलब व्यू होगा कैसा सब कुछ दिखाते हैं। Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already. तो यार इन लोगों ने मेरा इतना जीना हराम कर दिया दोनों ने। चलो ये तो सो रहा था मन्नू का बच्चा, ये पीछे क्या नाम था इसका, जसजोत सिंह, ये जसजोत, ये जो पीली पटकी वाला है ये इसने इतना जीना हराम कर दिया, मतलब भाई इसे चैन से बैठने नहीं दिया, कभी माइक के पीछे भाग रहा है, कभी नहीं माइक के पीछे भाग रहा है, माइक चाहिए इसे। और मन्नू इधर आ गया, तुझे क्या चाहिए बता, क्या चाहिए? 12 बजे हम लोग चढ़े थे, शाम को 6 बजे जगह में पहुंचते पहुंचते इन्होंने 1 घंटा मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। मार दे बच्चों को, मैं चलो दे दिखाओ मैं तुम्हें, चलो दे चलो, इन्हें डराना पड़ता यार ऐसे, वहां से अगर तुम हिले इतना मारूंगा ना ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। आ इधर, नहीं इधर आना, एक्टिंग अच्छी करता हूँ यार वैसे मैं। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग रूपनगर पहुंचने वाले हैं और 6 बजे के आसपास का टाइम दिखा रहा है। तू दोबारा आ गया भाई, दोबारा आ गया, कहाँ जा रहे हैं? सुसु करने जा। मैं चूचू करने जा रहा हूँ। हाँ तो भाई रूपनगर पहुँचने वाले हैं, उसके बाद अनंतपुर साहब तक हम पहुँचेंगे 6 बजे के आसपास। तो भाई अभी हम लोग अनंतपुर साहब पहुँचने वाले हैं, सामने की तरफ ना बड़े प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो
दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बैग दो बैग दो, उतरो उतरो उतरो। भाई यार ट्रेन रुकी हमारी, ज़्यादा पीछे डिब्बा आ गया, स्टेशन छोटा था और उतरने में दिक्कत हो रही है। देखो स्टेशन छोटा है ना, ये स्टेशन बहुत छोटा है। देखो उतर जाओ उतर जाओ। अभी सीन क्या होगा, तो मैं तो हम लोग खड़े थे दूसरी तरफ देख रहे, हम कह रहे स्टेशन दिख नहीं रहा कहाँ चला गया। मैंने जिस तरह देखा स्टेशन पीछे, डिब्बा हमारे पीछे रह गया। बंदो भी रह जाते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं रहते। अगला स्टेशन कितनी दूर होगा यहाँ से, नहीं तो एक्सप्रेस है ना, तो ज़्यादा दूर जाएगी फिर सीधा। तो भाई दोपहर को निकले थे, लगभग लगभग रात ही होगी, पहुँचते पहुँचते शाम होगी। गुरुद्वारा अपने सामने ही है, अभी कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। फिलहाल गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अभी, और पीछे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हमें रूम्स में रहना है, और अभी एक रूम जो है उसे बुक करते हैं, देखते हैं कौन सा लेना है, एसी वाला नॉन एसी वाला। रूम बुक करते हैं उसके बाद वहाँ पे जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल गाइस हमने रूम बुक कर तो दिया है एक, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत भी हुई और दिक्कत सॉल्व भी होगी। क्या दिक्कत थी और क्या दिक्कत सॉल्व होगी अभी आपको बताएंगे। अभी मतलब थोड़ा फ्री हो जाओ, अभी थोड़ा सा मतलब कर रहे हैं रूम बुक, अभी बताता हूँ आपको, फ्री होकर बताता हूँ। तो गाइस पहले हमने रूम लिया था जहाँ पे अभी हम लोग हैं, देखो आपको पीछे दिख रहा होगा। यहाँ पे रूम है तो बहुत सस्ता विदाउट एसी है, लेकिन यहाँ कंडीशन हद से ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद बैठ के बताता हूँ रूम। तो भाई अभी का सीन आपको बताता हूँ पूरा का पूरा क्या है। तो ये जो आपके पीछे सराय दिख रही है ना, गुरुद्वारे में जो रूम्स होते हैं उनको सराय बोलते हैं। ये जो सराय दिख रही है ना यहाँ, ये सबसे सस्ती सराय है यहाँ की, 100 रुपये किराया है विदाउट एसी, लेकिन कंडीशन हद से ज़्यादा ख़राब है। हमें गुरुद्वारे आया हूँ ऐसे बोलना तो नीचे, लेकिन कंडीशन सच्ची में ख़राब है। इसके बाद हम एक और सराय में गए, वो यहाँ की सबसे ज़्यादा VVIP टाइप की सराय थी, वहाँ पर 500 रुपये किराया था। और वहाँ आपको साइड में ये देखो, यहाँ आपको फोटो दिख गई होगी, दीवारों पे ये ऐसे जाले लगे हुए थे, वहाँ भी हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद एक और सराव में गए, वहाँ भी 500 रुपये किराया, लेकिन वो हमें थोड़ी अच्छी लगी। देखो हम रूम होटल्स में भी जा सकते हैं, लेकिन होटल में इसलिए जा रहे हैं, यहाँ से क्या सराव के सामने गुरुद्वारा, आराम से गुरुद्वारे मत्थे टेक लो। अभी हमने उन वाली सराव में जो है रूम बुक कर लिया, आपको जब जाएंगे तो आपको रूम दिखाएंगे। उसके अलावा अभी तो यहाँ पे मतलब इन वाली सराव में जो कि सबसे देखने में सबसे अच्छी लगती, लेकिन सबसे बेकार सराव है अंदर से। यहाँ पे हम ग्राउंड में बैठ रहे हैं और थोड़ी देर बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस एट दी एंड हमने यहाँ पे लिया अपना रूम। तो भाई एट दी एंड हमें यहाँ पे रूम मिला है, आपको पीछे से देखने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। अभी आपको मैं रूम का टूर दे देता हूँ। ये घुसते भाई अपने दो डबल बेड आ गए, एक सिंगल बेड आ गया। देखो देखने में रूम थोड़ा हल्का हल्का सा, मतलब ठीक ठाक ही रूम है देखने में, लेकिन ये है कि यहाँ पे उस वाले रूम से ना मच बेटर है, मच बेटर। यहाँ पे एक तो इतनी स्लाबन होती है ना, एक तो वो नहीं है, सब पेंट मार रखा है, ऊपर से थोड़ी साफ सुथरी जगह है ये, ऊपर से बाथरूम भी अच्छी और अच्छी खासी एसी लग रही, दो पंखे ऊपर हैं। तो भाई अपना सिस्टम से बाथरूम में आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ की बाथरूम पे थोड़ी साफ है, उन वाली बाथरूम से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये भी बाथरूम, यहाँ साफ सुथरी जगह है भाई, कोई बात नहीं। बाहर चलते हैं, एसी छोड़ देते हैं थोड़ी देर रूम में करके, फिर जब आएंगे तो वापस कमरा ठंडा मिलेगा हमें। अभी चलते हैं और फिर घूम फिर के आते हैं। और भाई हमने दो रूम लिए, एक ही 61 अपना और दूसरा 60 नंबर अपना। 60 नंबर के अंदर तो एसी चल रही है पूरी, हाँ ठंडा ठंडा ये रूम ठंडा है अपना थोड़ा सा। फिलहाल के सभी का सीन ये है कि अभी बज रहे रात के 10 और भाई अब सीधा हम लोग सोएंगे, मत्था टेकने कल सुबह जाएंगे, क्योंकि भाई आज काफ़ी ज़्यादा थक गए। सुबह हम 12 बजे से ट्रेन में चढ़े हुए थे, उसके बाद सीधा शाम को 6 बजे के आसपास हम ट्रेन से उतरे थे, मतलब पूरे 12 से 6 बजे तक मतलब घूमते रहे हम लोग ट्रेन के अंदर ही। उसके बाद 6 बजे के बाद हम फिर रूम लेने में थक गए, और भाई सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा थी ना, आपको मैं छोटी सी क्लिप दिखा दूँ। कितनी सारी सीढ़ियाँ थी, मतलब वो सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी, 3-4 बार चढ़ी उतरी है, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए। अभी फिलहाल का सीन ये है कि भाई अभी हम लोग सो रहे हैं, कल सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी से मत्था टेकेंगे। और इसी व्लॉग में आपको मैं, क्योंकि व्लॉग में हमेशा कंप्लीट करता हूँ पूरा, आज के व्लॉग में पूरा मैं आपको दिखा दूंगा। जब मत्था टेकेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो पूरा व्लॉग दिखा देंगे। जब मैं कल मत्था टेक लूँगा तो मत्था टेकने के बाद ही मैं सब व्लॉग का एंड कर दूंगा, फिर कल का व्लॉग नया स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं सोने के लिए, गुड नाइट। सो हे गाइस दिस इज नेक्स्ट डे। तो भाई अभी फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल, और भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और अभी हम लोग चलते हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने। उसके बाद इस वाले ब्लॉग को मैं कर दूँगा यहाँ पे एंड, क्योंकि आज सिर्फ इतने दिखाएंगे। उसके बाद आज का प्लान जो है मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट ब्लॉग में होगा ना। बाकी तो आज का प्लान ये है कि अभी हम लोग पहले गुरुद्वारे जा रहे हैं, गुरुद्वारे मत्था टेकेंगे, उसके बाद फिर हमारी 9:30 बजे के आसपास एक बस है, वो बस सारे मतलब जो भी आसपास के गुरुद्वारे ना ऐतिहासिक गुरुद्वारे वहाँ दर्शन कराएगी, तो फिर वहाँ पर उसमें जाएंगे हम लोग। उसके अलावा वो जो चीज़ होगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, अभी हम फिलहाल चलते हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने। तो फिलहाल भाई हम लोग बस पहुंचने वाले हैं गुरुद्वारे, सामने की तरफ गुरुद्वारा है, जल्दी से मिलते हैं मत्था टेकते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर जो भी अपनी बस है 9 बजे कैसे उसको चलते हैं, और फिर और चीज़ें दिखाते हैं आप।
फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारे से दर्शन करके, ये गुरुद्वारे के प्रसाद। और वीडियो बनाना वहाँ पे अलाउड नहीं था, जितने मुझसे बनी मैंने वहाँ पे बना दी। बाकी अभी भाई पहाड़ों पे हम लोग घूम रहे हैं, देखो ये गुरुद्वारा पहाड़ों पे है ना, आसपास पहाड़ भी बहुत सारे, मैंने कभी ट्रेन के रास्ते में आपको दिखाया था। तो ये देखो अभी ये देखो कैसा रास्ता था, देखो ऊपर से बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे ही, क्योंकि पहाड़ों पे था ना ये गुरुद्वारा, पहाड़ों पे है ना गुरुद्वारे वाला, तो पहाड़ों पे ऐसी चढ़ाई वाला रास्ता होता है बिल्कुल। अभी फिलहाल जो हमने बाकी गुरुद्वारे में जाना है वो उसमें भी टाइम लगेगा बस पकड़ने में, तब तक इस वाले ब्लॉग का भी मैं एंड कर देता हूँ। अभी हम रास्ते पे ही, अभी हम जा रहे हैं उधर, तो इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। जो बाकी हम गुरुद्वारों में घूमेंगे, बाकी जो मजे करेंगे और बाकी जो भी मतलब दिखाएंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पूछते रास्ते में जो भी आएगा, चुप रहे रास्ते में जो जो भी आएगा, चुप रहे रास्ते में जो मतलब बैठ जा, रास्ते में जो कुछ भी आएगा आपको दिखाते हैं और आराम से चलते हैं। ਫੜੇ ਕੋਰੂ